चंपक वन के जंगल में एक बहुत ही प्यारी चिड़िया रहती थी, जिसका नाम टुनटुनी था। टुनटुनी चिड़िया सब्जी बेचने का काम करती थी। एक दिन की बात है, एक दिन टुनटुनी चिड़िया नदी किनारे कपड़े धोने जा रही थी, तभी उसकी नजर नदी में बह रहे बहुत सारे लाल लाल टमाटर पर पड़ती है। अरे अरे, ये क्या, नदी में इतने सारे लाल लाल टमाटर बह रहे हैं। इतना बोलकर टुनटुनी बहते टमाटरों में से एक टमाटर उठा लेती है। अरे ये क्या, टमाटर तो बहुत ताजा ताजा है, अगर ये इन टमाटरों को बेच दूं तो आज मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। सारे लाल लाल टमाटरों को नदी में से बाहर निकाल लेती है। चलो, सारे टमाटर तो बाहर आ गए, अब इन्हें घर लेकर जाती हूँ। टुनटुनी सारे टमाटरों को कपड़े में बांध लेती है और गठरी उठाकर घर की ओर चल देती है। इन टमाटरों को बेचकर मुझे अच्छा लाभ हो जाएगा। टुनटुनी इतना सोच रही थी कि टूनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। टूनी चिड़िया के हालात कुछ ठीक नहीं थे। अक्सर टुनटुनी चिड़िया टूनी की मदद किया करती थी। टूनी उसे बाहर से ही आवाज लगाती है, टुनटुनी, ओ टुनटुनी, आ जाओ। क्या हुआ टुनी, दो दिन से तुम नहीं आए और सब्जी भी नहीं लेकर गए, क्या बात है? टुनी चिड़िया रोते हुए कहती है, क्या बताऊं टुनटुनी, तुम्हें तो मेरे बारे में पता ही है, मेरे पति कितने बीमार रहते हैं और मैं जो भी पैसा कमाती हूँ सारे उनके इलाज में लग जाते हैं। अरे टुनी, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया टुनी चिड़िया को कुछ सब्जियां देती है और नदी से लाए हुए ताजे ताजे लाल लाल टमाटर भी देती है। टुनी, तुम बहुत अच्छी हो, इतने सालों से तुम मेरी सहायता कर रही हो, सब्जियां भी फ्री में देती हो। अरे टुनी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम मेरी अपनी ही तो हो। टुनटुनी की ये बात सुनकर टुनी चिड़िया खुश हो जाती है और सब्जियां लेकर अपने घर चली जाती है। एक दिन की बात है, सब्जी ले लो ताजा ताजा, सब्जियां ले लो ताजा ताजा। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर एक कबूतरी उसे आवाज लगाती है, टुनटुनी, ओ टुनटुनी, यहाँ आओ। अरे टुनटुनी, टमाटर है क्या? हाँ, है ना। ठीक है, तो एक किलो तोल दो। हाय राम, ये क्या, टमाटर की टोकरी तो मैं लाना ही भूल गई, माँ जी माफ करना, अब फिर से घर जाना संभव नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, जाओ। शाम को जब वो घर वापस आती है तो देखती है कि दरवाजे पर टुनी चिड़िया खड़ी है। अरे टुनी, क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे खड़ी हो? टुनटुनी, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। टुनटुनी, तुमने जो टमाटर दिए थे ना, मेरी पड़ोसन ने देख लिए और बोल रही थी मुझे भी यही टमाटर चाहिए, तो तेरे पास टमाटर बचे हैं क्या? अरे नहीं टुनी, मैं तो वो सारे टमाटर घर पर ही भूल गई थी, सारे घर पर ही पड़े हैं। तो टुनटुनी, एक काम करो, मुझे सारे टमाटर दे दो और ये लो 1000 रुपए, मुझे पड़ोसन ने दिए हैं और बोला है सारे टमाटर ले आना। ठीक है ठीक है, मैं देती हूँ। और हाँ टुनी, मुझे बस 500 रुपए ही दे दो और बाकी तुम रख लो। टुनटुनी चिड़िया टुनी से 500 रुपए ले लेती है और सारे टमाटर दे देती है। इसी तरह वो दिन बीत जाता है। अगली सुबह फिर से टुनटुनी नदी किनारे जाती है, पर वहाँ पर एक भी टमाटर नहीं था। अरे पता नहीं कल इतने सारे टमाटर कहाँ से आए थे, खैर छोड़ो। इतना सोचकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और सब्जियां लेकर उन्हें बेचने निकल पड़ती है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजा ताजा,
सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा। टुनटुनी चिड़िया सब्जी बेच रही थी, तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े घर पर पड़ती है, जिस पर पुताई चल रही थी। लगता है ये हवेली किसी ने खरीद ली है। इतने में टुनटुनी चिड़िया को एक आवाज सुनाई देती है, जो कि टूनी की थी। अरे अच्छे से ढंग से करो पुताई, पुताई करना भी नहीं आता क्या? टूनी चिड़िया की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। अरे टूनी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब टूनी चिड़िया उसे कहती है, अरे अरे कौन हो तुम, कहाँ चली आ रही हो, और कौन टूनी? मेरा नाम तो बुलबुल है। ये बात सुनकर टुनटुनी हैरान हो जाती है। अरे मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी सहेली टूनी समझकर यहाँ चली आई। टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगल में सभी पक्षी तारीफ कर रहे थे। अच्छा तो मैंने उस दिन जिसे देखा था वो टूनी ही थी, पर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला, और वो इतनी अमीर कैसे बन गई? इतना सोचकर टुनटुनी उसके घर के पास जाती है और उसे आवाज लगाती है। तब टूनी चिड़िया अंदर से कहती है, अरे बाहर कौन भिखारी है, जाकर उसे खाना दे दो। अरे नौकर हो ना, काम नहीं करोगे क्या? टूनी के मुंह से उसके लिए ऐसी बात सुनकर बहुत दुखी होती है। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। चलते चलते वो नदी किनारे पहुँच जाती है और पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसी दिन चांदनी रात थी, तभी अचानक से नदी में नाव आ जाती है। टुनटुनी आओ बैठो इस नाव में, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया हैरान हो जाती है। वो नाव में बैठ जाती है। नाव खुद आगे की ओर बढ़ती चली जाती है और एक टमाटर के पेड़ के पास पहुँच जाती है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया तंग रह जाती है। तब उस पेड़ से आवाज आती है, कैसी हो टुनटुनी मेरी बच्ची, ठीक हो? पेड़ की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया हैरान हो जाती है। टुनटुनी मेरी प्यारी बच्ची, मैंने उस दिन तुम्हारे लिए टमाटर में हीरे भर कर भेजे थे, पर तुमने तो सारे टमाटर टूनी को दे दिए, क्यों मेरी बच्ची? अरे ये आप क्या कह रही हो, टमाटर में हीरे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। टुनटुनी को पेड़ ने पूरी बात सुनाई और उसको दिखाई कि क्या क्या हुआ था। ये सब टुनटुनी देखकर हैरान हो जाती है। अच्छा तो ये बात है, टूनी को हीरे मिले इसलिए वो इतनी अमीर हो गई, लेकिन उसने मुझसे नहीं बताया, जबकि मैं उसे अपनी बहन मानती थी। हाँ मेरी बच्ची, टूनी एक लालची चिड़िया है, इसलिए उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया और तुमसे सारे टमाटर खरीद लिए। तुम बहुत ही अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ टमाटर देती हूँ, इससे तुम दूसरों की मदद करना और अपना भी गुजारा करना। टुनटुनी टमाटर लेकर घर आ जाती है और घर पहुंचकर टमाटरों को काटकर सारे हीरे निकाल लेती है और हीरों को बेचकर बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लेती है। अब वो उन पैसों से गरीबों की मदद करने लगती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। तो बच्चों कैसी लगी ये कहानी? ऐसे ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।